हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जो JEE मेंस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सौभाग्य बोला जाए कि जिनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं कोरोना की दिक्कतों के कारण, उनके लिए ये पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेरीज हमारे पास आई थी कि इस पीरियड में कैसे हम यूटिलाइज़ करें, अपनी स्टडीज़ को कैसे फोकस करें और कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो मेरा नाम हेमंत मुगलियार, नवंकुर फाउंडेशन की तरफ से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि आप इस लॉकडाउन पीरियड को कैसे अपने रिजल्ट्स के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो नए और पुराने, नए मतलब वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम JEE या नीट अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो इसी साल 12th के एग्ज़ाम दिए थे या जिनके एग्ज़ाम अभी भी पेंडिंग है, और पुराने मतलब जो एक या दो सालों से इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी चीज़ों और सिलेबस के बारे में जानते हैं, दोनों के लिए है। इसलिए मैं बहुत बेसिक और बहुत ग्राउंड लेवल से डिस्कशन स्टार्ट करूँगा, ध्यान से सुने। इसमें हम पूरी चीज़ कवर करेंगे, आप कैसे प्रिपरेशन करें, किससे प्रिपरेशन करें और कब प्रिपरेशन करें, और कितने वेज में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, और कितने इक्विपमेंट्स आपके पास हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं एक बेटर प्रिपरेशन के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट UG। JEE में मेन और एडवांस दोनों कवर अपन करते हुए चलेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस सिंपल है, NCERT। NCERT ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी नीट वालों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन है, मैथ्स JEE और बायोलॉजी नीट। तो NCERT ने जो टॉपिक्स कवर किए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में और बायोलॉजी में, पूरा आपका एग्ज़ाम का सिलेबस केवल और केवल यही होता है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं। तो हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ स्टेट में पिछले कुछ सालों से 2017 से NCERT सिलेबस को ही फॉलो किया जा रहा है। उसके पहले CG बोर्ड का सिलेबस अलग होता था, जिसे SCERT के नाम से जाना जाता था। तो अभी तो इसमें कोई इशू नहीं है, पर यस, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने CBSE बोर्ड के अलावा किसी और, CBSE और CG बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से प्रिपरेशन की है, ICSE बोर्ड या कुछ और बोर्ड, उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका सिलेबस अलग होता है, उनका सिलेबस NCERT से मैच नहीं करता। तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में या हार्ड कॉपी NCERT की बुक्स आपके पास हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनसे आपको पढ़ना है, मैं ये बोलूंगा कि ये बुक्स आपके पास हो ताकि आप उन टॉपिक्स को टैली कर सकें जिन टॉपिक पर आपके कंपटीशन एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला ये डाउट जो लोग पूछते हैं कि सर हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं कि आप अगर इस पीरियड में किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी एकेडमीज पूरे कंट्री पर एक्टिव हैं और ये बहुत सारी टेस्ट सीरीज अभी की डेट में निकाल रही है, कोई चैप्टर वाइज निकाल रहा है, कोई कंप्लीट पैकेज पे दे रहा है कि JEE पैटर्न पे टेस्ट या नीट पैटर्न पे टेस्ट, आप में से बहुत सारे लोग देते भी होंगे। पर एक बात याद रखिएगा, इनके टेस्ट में हर एक क्वेश्चन आपके NCERT के टॉपिक का हो ये ज़रूरी नहीं होता, जानबूझकर बाहर से भी कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। और ये रूल है, हम इसको गलत भी नहीं बोल सकते, कि ये चीज़ों को टफ बनाने का और आपको ज़्यादा कठिन स्थितियों के लिए प्रिपेयर करने का एक तरीका है। पर हाँ, आपको टफ बनना है इसके इन क्वेश्चन से, ना कि आपको डिप्रेस होना है। तो ये बात याद रखें, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि NCERT से आपके JEE और नीट के क्वेश्चन आते हैं, पर आप अगर किसी और टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आप बोलेंगे नहीं सर दो टॉपिक NCERT के बाहर के थे, या आपने प्रीवियस ईयर नीट का पेपर देखा और आपने कहा नहीं सर इसमें बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस और NCERT के बाहर थे, होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं होते, पर हाँ उनका रेशियो बहुत कम रहता है, और किसी कारण से किसी टेस्ट सीरीज में ये रेशियो अगर ज़्यादा भी किया गया तो केवल टफ बनाने के लिए किया गया है। तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करके आपको जो बोला गया है आप इस प्रिपरेशन पर फोकस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो पहली चीज़ ये हुआ सिलेबस, दूसरी चीज़ कितने वेज में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए JEE का जो पैटर्न अभी बना है 25 क्वेश्चंस
फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25, मैथमेटिक्स से 25, तो टोटल आपके हो जाते हैं 75 क्वेश्चंस। लास्ट ईयर तक ये होता था 13 to 3, 90 क्वेश्चंस, पर अब ये हो चुका है 25 into 3, 75 क्वेश्चन। मजेदार बात ये है कि इन 75 क्वेश्चंस में से अगर आप 50%, मतलब अप्रॉक्सीमेट मैं बोल रहा हूँ 38 क्वेश्चंस भी अगर आप सही करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन परसेंटाइल को रीच कर सकते हैं। जहां तक अगर मैं आपको बोलूँ सेफ जोन क्या है, तो मेरा टारगेट ये बोलता है कि सेफ जोन 45 to 50 क्वेश्चंस है JEE के एग्जाम के लिए। अगर आप 45 से 50 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं विथ मिनिमम मिस्टेक्स, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 90+ percentile को रीच कर चुके हैं इजीली, क्योंकि बहुत सारे लोग 50% के बिलो ही निपट जाते हैं और मैक्सिमम रॉन्ग अटेम्प्ट्स के कारण। तो ये JEE का एक पैटर्न कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 75 में से 45 से 50 अटेम्प्ट्स आपको करने हैं अच्छे और सॉलिड अटेम्प्ट्स, कि इनमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम जाए। नीट में अगर हम बात करें तो नीट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल हो गया 90, और जूलॉजी और बॉटनी मतलब बायोलॉजी से अगर हम बात करें तो टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से 90 और 90 180 क्वेश्चंस आपके नीट में प्रिपेयर होते हैं, और दोनों ही एग्जाम में मार्किंग सिस्टम सेम है। JEE मेंस में भी करेक्ट अटेम्प्ट पर आपको मिलता है +4 और रॉन्ग अटेम्प्ट पर आपका होता है -1। वैसे यहां पर भी करेक्ट अटेम्प्ट पर आपको मिलेगा +4, रॉन्ग अटेम्प्ट पर आपका हो जाएगा -1। अब दिक्कत यह है कि जैसे कि JEE में मैंने आपको कहा 50% भी रीच करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, पर हाँ नीट में अगर हम बात करें 50% मीन्स 90 into 4 आप अगर करते हैं, मान लीजिए 90 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 180 और पूरे के पूरे सही थे, 100% एक्यूरेसी काउंट कर रहा हूं मैं, इसका मतलब आपके 360 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये 360 मार्क्स भी आपके लिए इनफ नहीं है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं। तो नीट में आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। JEE और नीट दोनों का टेस्ट अलग अलग है। JEE क्रैक करके अगर आप नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैंने यहाँ जो बोला उन आंकड़ों को आप ध्यान देंगे, पर अगर आप नीट क्रैक करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं तो आपके ये आंकड़े काम नहीं आने वाले। 50% वाला काम यहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है आपको 130 से 150 अटेम्प्ट्स तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 130 to 150 अटेम्प्ट्स तक आप अगर रीच करते हैं तब आप एक सिक्योर, वो भी मिनिमम रॉन्ग अटेम्प्ट्स, ऐसा नहीं है कि मैंने 150 क्वेश्चंस बनाए जिसमें से 50 गलत हो रहे हैं। आप 150 क्वेश्चंस बनाए, मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 गलत होने चाहिए, अगर इससे ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आप फिर ट्रबल में रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पर। हाँ, एक सिक्योरिटी हमारे पास ये है कि आपके नीट के सिलेबस में 50% केवल बायोलॉजी आपका कंप्लीट करता है, कवर करता है, और रिमेनिंग 50% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिलके कवर करते हैं। तो टेंटेटिव अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे ज़्यादा सही है कि आप बायोलॉजी में 80 अटेम्प्ट्स के आसपास प्लान करें, 75 to 80 अटेम्प्ट्स आप बायो में प्लान करें, प्लस फिजिक्स में आप 25 to 30 अटेम्प्ट्स प्लान करें। फिजिक्स में कम अटेम्प्ट्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स थोड़ा सा टफ जाता है, और अगर आपके लिए इजी जाता है तो आप इसमें और अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जहाँ तक मेरा आपको कहना रहेगा कि आप 35 to 40 अटेम्प्ट्स प्लान करें। तो इस तरीके से मिनिमम आप देखेंगे तो 75 और 25 हो जाएगा 100 और 35 होगा मिनिमम 135 अटेम्प्ट्स, मैक्सिमम 80 और 30 होता है 110 और 40 होता है 150 अटेम्प्ट्स। तो जो चीज़ मैंने आपको बोली थी वहाँ तक आप इजीली रीच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्लान करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इसमें इस प्लानिंग में एक बात यह है कि बायोलॉजी में अगर मुझे 75 to 80 अटेम्प्ट्स करने हैं
तो सिलेबस मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा। और बायो आपके लिए इजी भी पड़ता है, इसलिए मेरा ये कहना है कि बायो में कंप्लीट सिलेबस आप टारगेट करें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को बायो में इंटरेस्ट कम आता है तब वो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ़ चैप्टर्स बढ़ाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मैंने 35 टू 40 अटेम्प्ट्स दिए हैं, इसमें भी आप 80% के आसपास सिलेबस फोकस करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक कॉन्स्टेंट रेशियो पर हर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 40 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। इन दोनों सब्जेक्ट्स में ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो अकेले तीन तीन चार चार क्वेश्चंस होल्ड करते हैं, तो आपको ज़रूरी ये है कि आप ऐसे चैप्टर्स आइडेंटिफाई करें जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको पहले करें। जैसे कि अगर मान लीजिए केमिस्ट्री में आपको 35 क्वेश्चंस का टारगेट करना है, टोटल केमिस्ट्री में 40 चैप्टर्स अगर हैं और आपको 35 क्वेश्चन टारगेट करना है, तो मेरे हिसाब से आप 20 टू 25 चैप्टर्स करके ही इस टारगेट को रीच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमें यहाँ पर गधों के टाइप मजदूरी नहीं करनी कि हम एक एक चीज़ को, इस लॉकडाउन के पीरियड में हमको 75 डेज का एडिशनल टाइम मिला है तो हम एक एक कोना खोपचा ढूंढ ढूंढ के एक एक टॉपिक को पढ़ें, ये बकवास काम है। थोड़ा स्मार्टली वर्क करिए। टाइम आपको ज़्यादा मिला डजंट मीन कि आप हर एक टॉपिक पढ़ो। टाइम आपको ज़्यादा मिला है इसका मतलब कि आपको जो टॉपिक अच्छे से आता है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, उसको इतनी बार पढ़ो, इतना फाइन करो कि उसमें आपसे गलतियाँ ना के बराबर हों और उसमें से हर एक क्वेश्चन आपको बने। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री का 100% सिलेबस पढ़ लिया और 100% सिलेबस पढ़ने के बाद मेरी एक्यूरेसी 60% पे आके टिकती है, तो उससे बेटर तो ये होता कि मैं उस 60% को इतना अच्छा पढ़ता कि उसकी एक्यूरेसी 100% आके टिकती। इससे मेरा टाइम भी कम कंज्यूम होगा और मेरी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। इस वाले पैटर्न पे आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, एक्यूरेसी भी आपकी डाउन होगी। तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करिएगा। JEE वालों को भी मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपके पास तीन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि JEE में फिजिक्स और मैथ्स थोड़ा हार्ड रखा जाता है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, पर नीट में बात ये आती है कि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़ा टफ रखा जाता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स। आप नीट और JEE का पेपर जब भी कंपेयर करोगे, नीट के पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चंस ईजी दिखेंगे एज कम्पेयर टू JEE, क्योंकि JEE टेक्निकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, नीट मेडिकल को, और मेडिकल में टेक्निकल सब्जेक्ट का ज़्यादा रोल नहीं रहता, इसलिए इसे इजी रखा जाता है। और वहीं टेक्निकल में केमिस्ट्री का ज़्यादा रोल नहीं है आगे की लाइफ में अगर आप देखेंगे, इसलिए इसमें इन दोनों को ज़्यादा, स्पेशली फिजिक्स को ज़्यादा हार्ड रखा जाता है। तो इसलिए ध्यान ये रखेंगे JEE वाले कि आप केमिस्ट्री पे मैक्सिमम फोकस करें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ये मेरा सजेशन है। अगर आपको फिजिक्स पसंद आता है तो आप नो डाउट फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, मैथ्स पसंद आता है तो मैथ्स पर फोकस करें। पर अगर आप इस कश्मकश में हैं कि हम क्या करें, तो फिर मेरा सजेशन ये है कि केमिस्ट्री पे आप ज़्यादा फोकस करें, इसमें से कुछ भी ना छोड़ें, इस सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग प्रिपरेशन करें कि 25 में से आप 15 प्लस इसके अटेम्प्ट कर सकें। तो 15 टू 20 अगर आप केमिस्ट्री के अटेम्प्ट करते हैं, तो सपोज केमिस्ट्री में आप 15 टू 20 तक रीच करते हैं, देन मैथ्स में आप 10 टू 15 रीच कर रहे हैं, फिजिक्स में भी आप 10 टू 15 रीच कर रहे हैं, सपोज आउट ऑफ 25। तो मिनिमम आप देखिए 10 10 20 10 30 मिनिमम 35 और मैक्सिमम 15 15 30 और 20 50। तो 35 टू 50 जो मैंने आपसे कहा था कि आपको यहाँ तक रीच करना है, 50% से लेकर 50 क्वेश्चंस तक, वो आप आराम से यहाँ पर रीच कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्टली काम करें। आपको सिलेबस को पहले फिल्टर करना ज़रूरी है। मैंने लिख तो दिया कि सिलेबस NCERT है, और NCERT सिलेबस का ये मतलब नहीं कि अगर किसी में 11th और 12th मिला के 40 टू 45 चैप्टर्स हो रहे हैं तो आप एक एक चैप्टर पढ़ो। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखकर ये एनालिसिस करते आना ज़रूरी है कि किस चैप्टर से, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, और उस पर आपको पहले स्ट्रांगली फोकस करते हुए काम करना है ताकि आपका वो इतना फाइन हो कि उसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाए। तो ये एक सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पे डिस्कशन। इसके बाद अगली डिस्कशन ये आती है कि हम
कौन से चैप्टर्स पे फोकस करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक अपने पास नहीं रखें या आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो और आप जानना चाहते हो कि आपको कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करना है, तो आप एक काम करिए, हमारे फाउंडेशन के नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा जो नीचे स्क्रीन में आपको दिया रहेगा, और इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे फैकल्टी मेम्बर से पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है जिसमें हम रेगुलर अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते हैं उनको टाइम टाइम पर ये सारी चीज़ें फीड करने के लिए, तो आप बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कौन से चैप्टर्स पढ़ें, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, कौन ज़्यादा इजीली होगा, किसके क्वेश्चंस कहाँ से बनाने, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। पर एक बात जरूर याद रखें कि यूनिडायरेक्शनल होकर आपका काम करना ज़रूरी है। यूनिडायरेक्शनल मतलब आपने अगर प्लान किया है कि मुझे नीट क्रैक करना है या मुझे JEE क्रैक करना है, तो फिर यहाँ पर बीच में CGPAT, PPST एंड अदर एग्जाम्स नहीं आने चाहिए। हाँ, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बोले नहीं सर मुझे तो केवल एग्रीकल्चर में जाना है, तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर आप ये बोलोगे सर मेरा प्लान नीट का था पर अब नीट होगा कि नहीं होगा तो हम एग्रीकल्चर कर लेते हैं, ये बकवास बात है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा ऑप्शंस रखेंगे आप सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर ही पहुँचेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे डिस्कस करनी थी कि अभी नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं या स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं, इसमें मैं सारे एग्ज़ाम्स इंक्लूड कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर एंट्रेंस, फार्मेसी एंट्रेंस, CGPET जो लोकल छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए लिया जाता है, या इसके अलावा BSc नर्सिंग रिलेटेड कोर्सेज और जितने भी कोर्सेज हैं, मैक्सिमम कोर्सेज आपके NCERT सिलेबस पर ही चलते हैं। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया था कि नहीं सर आप नीट का बता रहे हो हमें इसका सिलेबस बताओ, गुमराह मत होइएगा, ये सारे सिलेबस, अगर आप मैथ्स या बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस सेम है। इवन CGPAT में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, CGPAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो है इसमें डिफरेंसेस हैं, इसको हर एक स्ट्रीम का बंदा दे सकता है। CGPAT बेसिकली एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है, पर इसको मैथ्स वाले भी अटेम्प्ट करते हैं, बायो वाले भी अटेम्प्ट करते हैं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको एग्री, मैथ्स और बायो तीनों करते हैं। एग्रीकल्चर भी स्ट्रीम होती है जो बहुत ही रेयर है हमारे स्टेट में, कुछ एक स्कूल्स में ही एग्रीकल्चर की स्ट्रीम पर 11th-12th पढ़ाया जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम स्कूल्स में फिजिक्स या मैथ्स या बायो पर ही आपको 11th-12th पढ़ाया जाता है, ऑफ़र नहीं किया जाता है एग्रीकल्चर का, इसलिए कई लोगों को ये बात नहीं पता है, मिसगाइड भी होते हैं। आप मैथ्स की स्ट्रीम से CGPAT देने जाते हो और बुक खरीद किया जाते हो एग्रीकल्चर वाले, और फिर आप ये सोचते हो कि मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, गलत है। एग्रीकल्चर के तीन कोर सब्जेक्ट्स अलग हैं, मैथ्स के तीन कोर सब्जेक्ट्स अलग हैं, बायो के तीन कोर सब्जेक्ट्स अलग हैं। मैथ्स और बायो के कोर सब्जेक्ट्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन है, मैथ्स वालों में मैथ्स है, बायो वालों में बायो है, और एग्रीकल्चर में तो ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना बायोलॉजी है, इसके तीन सब्जेक्ट बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से 11th-12th की पढ़ाई किए हो तब आपको एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, पर अगर आप मैथ्स की स्ट्रीम से पढ़ाई किए हो और आप PAT देना चाहते हो तो आपको PCM पर फोकस करना पड़ेगा, बायो की स्ट्रीम वाले हो तो PCB पर फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब मैथ्स वालों के लिए CGPAT JEE के इक्विवेलेंट है और बायो वालों के लिए CGPAT नीट के इक्विवेलेंट है। केवल डिफरेंस एक ही आता है, स्टेट लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस का लेवल आप डिसाइड नहीं कर सकते, समटाइम्स से बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, समटाइम्स बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। नेशनल लेवल एग्जाम्स जो रहते हैं इन्होंने अपना लेवल मेंटेन किया है, आप हर साल के नीट के पेपर को अगर कंपेयर करोगे तो आपको एक कंसिस्टेंसी दिखाई देगी जो हर साल CGPAT, CGPET या PPST के पेपर्स में नहीं दिखेगी। तो इसलिए टफ और ईजी टाइप कुछ नहीं है, सबका लेवल सेम है, सबका सिलेबस सेम है, पढ़ाई आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब चाहे आप CGPAT के लिए पढ़ें, PPST के लिए पढ़ें, BSc नर्सिंग के लिए पढ़ें, नीट के लिए पढ़ें या JEE के लिए पढ़ें, इसलिए जज मत करिए कि कौन इजी कौन टफ, टारगेट आप अपना बनाइए और उस टारगेट के बेस पर प्रिपरेशन करना शुरू करिएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, अगर आपके पास इतनी जानकारियां हैं कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, किस एग्ज़ाम के लिए कितना टारगेट लेकर चलूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुझे घर में खुद से पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। इसके लिए थर्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू।